मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। ये ऑल टाइम फेमस डायलॉग है 1979 में रिलीज होने वाली पाकिस्तानी सुपरहिट फिल्म मौला जट का। इस फिल्म को लिखा था गॉड गिफ्टेड डायलॉग राइटर नासिर अदीब ने और अब पाकिस्तान की मोस्ट अवेटेड फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का स्क्रिप्ट भी इन्होंने ही लिखा है। इस फिल्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी की बड़ी न्यूज है नासिर अदीब का हैरतअंगेज दावा और वो भी उस वक्त पर जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ कराची है। नासिर अदीब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। ये दावा हम उन्हीं से सुनते हैं। 73 में जब मैं राइटर बना वैश्य जट लिख रहा था उस साल 82 फिल्में रिलीज हुई टोटल। उन 82 फिल्मों में 78 फिल्में उर्दू थी और 4 पंजाबी थी। 73 के बाद अब 96 आ गया मेरी सुल्तान राय साहब का आखिरी फिल्म रिलीज हुई उसका नाम था सखी बादशाह। उस साल जो फिल्में रिलीज हुई उनकी तादाद थी 112। उन 112 फिल्मों में 109 पंजाबी फिल्में थी और 3 उर्दू फिल्में थी। आज मैं वही खड़ा हूँ जहाँ कभी मैं वैश्य जट से पहले था। जीरो पॉइंट पर था मैं वहाँ। मेरा कोई नाम नहीं था, मेरा कोई मकाम नहीं था। मैं भूल गया हूँ कि मैंने पीछे 412 फिल्में लिखी। मैं इन चीज़ों को याद नहीं करता कि मैं मौला जट का राइटर हूँ, शेर खां का राइटर हूँ, जानवर याम लिखी नहीं। आज जो मेरी फिल्म रिलीज होने जा रही है द लेजेंड ऑफ मौला जट, ये मेरी पहली फिल्म है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो रिवाइवल हो चुका है और अभी जारी है उसका सफ़र, उसमें ये मेरी री एंट्री या पहली एंट्री है। द लेजेंड ऑफ मौला जट की जो रिलीज़ है ये वो वक्त लाएगी जब कराची के डायरेक्टर पंजाबी फिल्म बनाने के लिए इंशाल्लाह ताला अगर मेरा फ़ोन नंबर नहीं पूछेंगे तो किसी और अच्छे राइटर का ज़रूर पूछेंगे। जी तो दोस्तों, बहुत बड़ा दावा कर दिया है नासिर अदीब ने। अब देखना ये है कि क्या ये दावा सच होगा या फिर किसी सियासी दावे की तरह ठुस होगा। इसका फैसला तो द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज के बाद ही होगा और उस वक्त भी हम कोशिश करेंगे कि नासिर अदीब को अपने स्टूडियोज में बुलाकर उनसे इस दावे के बारे में बात करें। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ईपीके न्यूज के साथ।